कहते हैं कि ये किसान था, वो किसान जब फसल आ गई तो अनाज घर में लेकर के आया और हिसाब लगाया कि कितने दिन हमको खाने के लिए अनाज हो गया, तो 364 दिन हो रहे थे, एक दिन कम पड़ रहा था। माने 364 दिन के लिए उसके पास अनाज था, एक दिन कम पड़ रहा था। तो उसने कहा क्या करें, तो उसने कहा पहले एक दिन भूसा खा लेते हैं और बाद में 364 दिन खूब अनाज खाएंगे। और भूसा खा लिया और खाने की बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कहां की समझदारी। तो हमारा ये कहना है कि जब ये बात मत रही है, मत चुकी है, दिखाई दे रहा है, तो फिर बांधों के बारे में एक स्पष्ट राय सरकार की आनी ही चाहिए, बननी ही चाहिए। और दूसरी बात जो आपकी पंचायत से निकल करके आई और हम लोगों ने भी कहा, वो ये है कि गंगा में जो बांध बनाए जा रहे हैं उन बांधों के बारे में हमारी ये बात है। गंगा में बांध बने न बने ये कोई विचार कर, 5 नींबू है उनके अगर हमको प्रयोग करना है तो वैज्ञानिक अगर होगा तो एक नींबू निकाल करके पहले रख देगा, उसको कहते हैं कंट्रोल, शायद वैज्ञानिक भाषा कि ये कंट्रोल है, और 4 पर प्रयोग करेगा, एक में दूसरा इंजेक्शन लगाएगा, एक में दूसरे, और फिर देखेगा कि क्या परिवर्तन हुआ। और पुराने जो एक निकाल के रखता है, तो जब बांधों से नदियों पर विनाश होता है कि नहीं, बांधों से नदियां मरती हैं कि नहीं, इस बारे में अगर कोई विचार वैज्ञानिक लोग भी करना चाहते हैं तो क्या उनको कंट्रोल की आवश्यकता है कि नहीं है। हम कहते हैं कि है, और क्यों गंगा को कंट्रोल न बने, इसलिए गंगा को कंट्रोल बनाना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, और हमारी माता के गले को छुड़ाना चाहिए हमारी भावना की दृष्टि से भी। और ये अमृत द्रव है, इसको प्रवाहित होकर के हमारे उन पूर्वजों तक जाने देना चाहिए जिनकी मुक्ति आज, जिनके वंशज आज भी मुक्ति पा रहे हैं इस गंगा से। क्योंकि गंगा का प्रयोजन ये नहीं है कि गंगा धरती पर बिजली बनाने के लिए आई, गंगा का प्रयोजन ये भी नहीं है कि गंगा सिंचाई करने के लिए धरती पर आई, गंगा का प्रयोजन ये भी नहीं है कि किसी अन्य कार्य के लिए आई। गंगा अगर आई है तो केवल 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 हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए आई है। इसलिए गंगा का सबसे पहला जो प्रयोजन है उसको बाधित करके दूसरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं की जानी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपकी भावना के अनुरूप ही हमने अपनी तरफ से, इसमें संभवतः कुछ नहीं मिलाया है, आप सब सहमत होंगे, जो आप सबने चर्चा की है उन्हीं सब बातों को पिरो करके, क्योंकि आपने हमको मुख बनाया इसलिए हमने इनके सामने रखा है। लेकिन हमारा एक साफ कहना है कि अगर गंगा के बारे में कुछ करना है और विश्व में इस बात को दिखा देना है कि हाँ भारत वालों ने गंगा के लिए कुछ किया, इस सरकार ने कुछ गंगा के लिए किया, इस व्यक्ति ने गंगा के लिए कुछ किया, तो फिर कुछ कर गुजरिए, और नहीं तो फिर जैसे राजकाज चलता है चलने दीजिए, और थोड़े दिन के बाद हम लोग अपने हाथ में लेंगे। क्योंकि जब राजा प्रजा का पालन नहीं कर पाता है तो बहुत से छत्रप पैदा हो जाते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी प्रजा का पालन करने लग जाते हैं। तो गंगा के बारे में भी अगर राजा अपने जिम्मेदारियों से नहीं, उनको दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगा, जनता को दिखाई देने लगेगा, तो जनता गंगा का किनारा अपने हाथ में लेगी और इससे खुद को कोई रोक नहीं सकता। और जो दूसरी बात प्रमुखता से निकल करके आई थी उसी को कह करके हम समापन करेंगे, और बाद में इनका सुनने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो फिर भी हम आपकी बात से बोलेंगे। तो वो ये है कि आप बताइए कि ये कौन सी नैतिकता है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सी व्यवस्था है, इसको कौन परमिट करता है कि हम, ये कौन सा विज्ञान है कि हम साफ पानी को और गंदे पानी को मिला दें, एक तरफ रिवर है और एक तरफ सीवर है, और गजब की बात है कि हम बड़े धड़ल्ले से दोनों को मिलाए चले जा रहे हैं। बताइए ये कहां की बात है। इसलिए रिवर को रिवर रहने दो, सीवर को सीवर रहने दो, कृपा करके दोनों को मिक्स मत करो।